क्या आपको अचानक से बुखार, थकान और सर में दर्द होने लगा है? क्या अचानक से आपके पेट में दर्द, खुजली और छालों की समस्या हो रही है? और क्या आपके छालों में अचानक से पस आने लगा है और आपके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं? अगर हाँ, तो ये सभी लक्षण चिकन पॉक्स के हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको चिकन पॉक्स के सिम्टम्स से डील करने वाली कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने कपी फिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चिकन पॉक्स एक इंफेक्शियस डिजीज है जो वेरिसेला ज़ोस्टर नाम के वायरस के कांटेक्ट में आने से, किसी चिकन पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से या हाइजीन और इम्यूनिटी की कमी से हमें हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि इसका शिकार बच्चे और ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। कहने को तो आज भारत में चिकन पॉक्स खत्म होने के कगार पर है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार चिकन पॉक्स आज भी दुनिया में हर 50 में से एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। चिकन पॉक्स से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको चिकन पॉक्स हो गया है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स में रिलीफ दिलाने के लिए हम आपको कुछ रेमेडीज के बारे में बताएंगे। रेमेडी नंबर 1, कैलामाइन लोशन। चिकन पॉक्स के दौरान हमारे शरीर में असहनीय तकलीफ और खुजली होती है। कैलामाइन लोशन बेशक हमारे चिकन पॉक्स को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन चिकन पॉक्स के दौरान होने वाली खुजली में हमें आराम दिलाता है। बस उस जगह पर कैलामाइन लोशन को एक कॉटन स्वैब की मदद से अप्लाई करें जहां आपको खुजली हो रही है। इसके बाद आती है रेमेडी नंबर 2, और रेमेडी नंबर 2 है ओटमील। कैलामाइन के अलावा ओटमील बाद से भी आपको चिकन पॉक्स के दौरान होने वाली खुजली में आराम मिलता है। इसके लिए 1 कप ओटमील को मिक्सर में डालकर उसको बारीक पीस कर उस पाउडर में थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर उसको 20 मिनट तक यूं ही छोड़ दें, फिर उस सॉल्यूशन से नहा लें। इससे आपकी खुजली समय के साथ शांत हो जाएगी। इसके बाद आती है रेमेडी नंबर 3, यानी पॉप्सिकल्स। अक्सर ये देखा गया है कि छोटे बच्चे जिनको चिकन पॉक्स हो जाता है, उनके मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को बर्फ चूसने के लिए देना चाहिए, क्योंकि बर्फ की चुस्की ऐसी परिस्थिति में आपके छालों में आराम देती है। इसके अलावा नमक, मसाले, चॉकलेट, पनीर, पीनट बटर, मीट जैसी चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बीमारी लंबी चल सकती है। अगर आपके पास भी चिकन पॉक्स की कोई रेमेडी है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।